Welcome back to our YouTube channel Technical Wasim। Finally SSC GD Constable 2022 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कैसे करोगे और आप अपने फोटो पे डेट कैसे डालोगे और क्लियर सिग्नेचर आप अपलोड कैसे करोगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल पीसी कंप्यूटर के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा एसएससी। एसएससी सर्च करने के बाद आपके सामने स्टॉप सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको इसको ओपन कर देना है। स्टॉप सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ओपन करने के बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड फोर्स एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स की जो पोस्टर्स है वो आ गई है और आपकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गई है। तो आपको दिखाएंगे कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है और यहाँ से कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। अगर आपने पहले से ही एसएससी की रजिस्ट्रेशन कर रखी है तब अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आपको अपनी ईमेल आईडी याद है तो फिल कर देनी है। अगर मोबाइल नंबर याद है तो आपको मोबाइल नंबर ही फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है डू यू हैव आधार, तो आपको यहाँ पे यस कर देना अगर आपके पास आधार नंबर है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना है अपना आधार नंबर। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार नंबर जो है वो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है। ये ओनली फॉर उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मदर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन जो 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है, आपने स्टेट बोर्ड सीबीएसई जिस भी बोर्ड से आपने 10th की होगी तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपने लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने 10th पास किया है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। 12th पास किया है, जो भी आपने डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी यूटी सेलेक्ट कर देनी है या स्टेट जो भी। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फिल करनी है। डिक्लेरेशन फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको वो ओटीपी एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक होम पेज पे आ जाना है। एसएससी के होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एसएससी जीडी इन सेंट्रल आर्मेड फोर्स, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपकी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको
नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको बता रहा है वेदर यू हैव एक्सेरस मैन, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर आप एक्सेरस मैन नहीं हो। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन में अगर आ रहे हो आप, तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं आ रही हो तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या आप एनसीसी होल्डर हो तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं हो तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट यूटी डोमिसाइल सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको फिर से अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक चीज जो है आपको वो ध्यान देने वाली होगी, यहाँ पे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए देना चाहते हो, सेकंड प्रेफरेंस किसके लिए देना चाहते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए प्रेफरेंस जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए है, बी प्रेफरेंस सीआईएसएफ के लिए है, सी प्रेफरेंस सीआरपीएफ के लिए। जो भी आपको यहाँ पे पोस्ट कोड दिए हैं तो आपको यही डालने। अगर ए के लिए देना चाहते हो तो ए सिलेक्ट कर देना, बी के लिए देना चाहते हो तो बी। तो यहाँ पे आपको जो सारे कॉलम्स है वो फिल कर देने हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी हाइस्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, जो भी आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो टेंथ की जो डिटेल है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आप अपियरिंग है या पासिट है तो आपको यहाँ पे पासिट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज फिल कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो बहुत ध्यान देने वाली है और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूँ, यहाँ पे जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB रहने वाला है। फॉर्मेट जो आपका होगा फोटो का वो JPEG और JPG में रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए आपकी सिग्नेचर की, यहाँ पे आपको सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 से 20 KB रहने वाला है। फॉर्मेट जो आपका सिग्नेचर का है वो JPEG और JPG में रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 27 जुलाई, आपका जो फोटो है वो 27 जुलाई के बाद का होना चाहिए और आपके जो फोटो पे है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगा कि आप अपने फोटो में डेट कैसे मेंशन करोगे और क्लियरली कैसे दिखेगी कि आपके फोटो पे जो डेट है वो मेंशन कर दी है। आप कंटिन्यू देखते रहे वीडियो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोटो फॉर एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो पे है वो डेट क्लियरली मेंशन दिख रही है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर सिलेक्ट कर देनी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल्स है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई होगी। तो उसके बाद आपको बता रहा है डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है क्योंकि यहाँ पे आपको 100 रुपीज जो है वो पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो यहाँ से आप ऑफलाइन सेलेक्ट करोगे, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट लॉगिन पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आपके पास स्टेट बैंक नेट बैंकिंग है या स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है या स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड है, अगर आप अदर बैंक से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और फिर से आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो कार्ड डिटेल्स है आपको अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी वीडियो लाइक शेयर।